एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरुआत करते हैं एक और बहुत ही अमेजिंग दिन के साथ। तो ये देखिए जी, मेरे घर की बाहर की वादियाँ मैंने आपको दिखाई है, ग्रीनरी चारों तरफ है। सुंदर आज का दिन बहुत ही प्रिटी लग रहा है, सुंदर लग रहा है। देखिए चारों तरफ सुंदर सुंदर बादल हैं। बारिश होने के बाद वो जो मौसम होता है बड़ा ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो ये देखिए जी, करते हैं आगे की शुरुआत। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मम्मी जी को, जो हैं किचन गार्डन में धनिया काट रहे हैं, क्योंकि आज के लिए मैं, हमारे घर में आज साग बनने की हुई है फरमाइश, तो उसके लिए मम्मी कर रहे हैं प्रिपरेशन। धनिया वगैरह काट रहे हैं, साथ में अब साग भी उठाएंगे। तो मैं पहले आई थी यहाँ पे, ऊपर आई हूँ मैं मैगी बनाने के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे घर वालों की फरमाइश हुई है मैगी खाने के लिए। तो मैंने कहा पहले वो बना लेते हैं। तो मैगी तो आप सभी की ऑल टाइम फेवरेट होती है, तो वैसे ही मेरे घर वालों की भी ऑल टाइम फेवरेट है मैगी, सभी खाना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चलिए जी, सभी की फरमाइश ज़रूर पूरी की जाएगी। तो मैगी बनाना एक ट्रिक आप सभी को बड़े अच्छे से आता है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी जो मैं अलग से बनाती हूँ। टमाटर प्याज डालेंगे, थोड़ा सा मैगी मसाला इसमें ऐड करेंगे और टेस्टी सी हमारी मैगी हो जाएगी रेडी। और आज तो स्पेशली सिम्या ने भी फरमाइश की है कि मामा मुझे मैगी खानी है, तो मैंने कहा अपने बच्चे के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी मैगी। तो ये यहाँ सब कुछ मैं कर रही हूँ रेडी, और साथ में आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, अब मैं यहाँ पे मैगी डाल दी है साथ में। अब इसमें और कुछ नहीं करना है, बस पानी डाल लीजिए और थोड़ा वेट कीजिए और हमारी मैगी हो जाएगी कुछ ही सेकंड में रेडी। तो आप लोगों को मैगी खाना कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताना है गाइज, और ब्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना है कमेंट में। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए जी, मेरी मैगी है रेडी। तो ये देखिए, थोड़ा सूप वाला बनाती हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद है और मेरे सारे घर वाले भी इसी तरह से खाना पसंद करते हैं। तो ये रही मेरी मैगी, हो गई है रेडी। तो आइए जी, आपको थोड़ी सी मैगी मस्ती भी दिखा देती हूँ। मैडम जी ने नहाई नहाई की है और ये वहाँ पे वॉक कर रही है, कह रही मम्मा मेरा वीडियो बनाइए। तो ये देखिए, मैं इसको वीडियो बना रही हूँ साथ में। अब ये अपनी चेयर पे बैठ जाएगी और कह रही है मम्मा मैं पोज मारूंगी, आप मेरी फ़ोटो ले लो। वो उसको नहीं पता कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ एक्चुअली में। तो ये देखिए जी, मेरी परी का छोटा सा क्लिप भी बन गया साथ में। यहाँ देखिए जी, ब्यूटीफुल मोमेंट है, मेरी वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगा। दादी और पोती साथ में कर रहे हैं पढ़ाई, ये मोमेंट अपने हर एक, जो भी दादी पोती होंगी वो बड़ा ज़्यादा इंजॉय करते होंगे। बहुत ही लकी होते हैं वो बच्चे जिनके दादा दादी होते हैं। तो मेरा बच्चा भी काफ़ी लकी है, और वह स्पेशली लकी इसलिए मानती हूँ क्योंकि मम्मी हमें बड़ी दुआओं से मिले हैं। वो काफ़ी बीमार थे, तो अब हम उनको एकदम भगवान की तरह रखते हैं, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के सिर पे अपने बड़ों का हाथ हमेशा रहे। तो ये मोमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए दादी पोती का प्यार, जो मम्मा इसको पढ़ा भी रहे हैं साथ में और प्यार भी कर रहे हैं, भगवान करे ये इसी तरह अपनी दादी की गोदी में हमेशा खेलती रहे। तो ये देखिए जी, मेरा मेकअप शुरू हो गया है। लगा दो मेकअप, लगा दो बेबी। I love you, cute too. अभी मैं करी तो है नाई पोपी हमने सी मैं भूल गई नाई करके। बाय। तो ये जी मेरी मैडम की मस्ती मैंने आपको दिखाई है। तो खाना, अब मैडम ने फिर से अपना मॉइस्चराइजर ले लिया है, इसके साथ हल्दी निकालने की कोशिश शुरू हो गई है। तो मम्मा, हाँ जी, मैं कह रही हूँ इसी मेरे को प्यार, मम्मा को प्यार कर दे, इसी कर देगा। मुझे तो किसी में लगा के दोगे, लगा दो, दो तो निकाल के दिखा दो। ओके गाइस, तो हमारी मस्ती तो ऐसी चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है। ओके, तो गुड बाय एंड टेक केयर गाइस, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।